अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, होप एवरीवन इज़ फाइन. योर टीचर इज़ ओवर हियर एंड योर सब्जेक्ट इज़ सोशल स्टडीज़. एंड एज यू नो दैट योर एग्जामिनेशन इज़ स्टार्टिंग, सो वी हैव टू रिवाइज सम अवर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो लेट अस डिस्कस एंड रिवाइज अवर थिंग्स. हियर इज़ द फर्स्ट रिवीजन विच वी आर गोइंग स्टार्ट विद इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. इसमें आप देखिएगा कि लर्न एंड राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम योर कॉपी. ये आपके पास हुए हुए हैं, ठीक है. आई विल रीड फॉर यू फ्रॉम हेयर द ऑल द वर्ड्स एंड द क्वेश्चंस एंड देन आंसर्स आर अवेलेबल इन योर कॉपी. आई विल ऑल्सो शेयर विद यू. सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डू. दैट इज द नंबर वन इज मीडिया, नंबर टू इज कम्युनिकेशन, नंबर थ्री इज मास, नंबर फोर इज पॉलिटिकल. ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग है. आई विल शो यू द मीनिंग्स ऑल्सो एंड द क्वेश्चन आंसर्स. नेम एनी फाइव वे यू कैन गेट इंफॉर्मेशन. व्हाट इज न्यूज़ रिपोर्ट. थ्री, व्हाई इज सोशल मीडिया नॉट द आइडियल सोर्स टू गेट इंफॉर्मेशन. फोर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिंट मीडिया. इसमें ए मिस हुआ है, प्लीज़ मेक इट ए. गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सर्विस मैसेजेस. उसके अलावा आपकी कॉपी में जो भी फिरिंदा ब्लैंक्स और एक्सरसाइज हुए हुए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन योर एग्जामिनेशन. उसकी सारी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. अब कॉपी में जो काम हुआ है, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. लेट अस सी रिगार्डिंग योर वर्ड्स मीनिंग. दीज आर द वर्ड्स विच आई ऑलरेडी हैव डन इन योर कॉपी. आई विल रीड ऑल द वर्ड्स, ठीक है. उसमें से जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, कॉन्सेंट्रेट दैट वन, बट स्टिल सी दैट दीज ऑल यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट. बट विच आई एम गिविंग यू दैट इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन. सो इट डजेंट मीन दैट द अदर कैन नॉट कम, बट दे आर इम्पॉर्टेंट विच आई एम गिविंग यू. सो लेट अस सी. कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाई स्पीकिंग, राइटिंग और अदर मीन्स. जब हम आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. जैसे हम उसको यूँ कह सकते हैं कि हम किसी भी कोई बात आपस में लिख कर या बोल कर, या फिर हम वीडियो के ज़रिए हम जो आपस में इसको एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन. मीडिया द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो मेन मीन्स है वो मीडिया है, जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. वी कैन गिव अवर मैसेज ऑल्सो. हम एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए दे सकते हैं, हम वीडियो ऑडियो किसी तरीके से भी, प्रिंट के ज़रिए. ये सारे मीडियाज़ हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं. मास कहते हैं लोगों को, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको हम मास कहते हैं. एडवर्टाइजमेंट, अनाउंसमेंट. जब हम किसी चीज़ के बता रहे होते हैं, कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती है, या किसी चीज़ के मुबारक, जैसे कोई मोबाइल है या कोई आपकी कोई प्रोडक्ट है खाने की, तो उसको जब हमें बताना होता है कि एक नई चीज़ आई है, कोई नई आइसक्रीम आई है, तो उसको हम थ्रू बताते हैं, उसको न्यूज़पेपर में भी देते हैं, किसी तरीके से भी. तो वो जब हम उनको, लोगों को हमें उसके बारे में बताना होता है, तो उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट. पॉलिटिकल, सी द पॉलिटिकल इज गवर्नमेंटल. गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड होता है. तो इसमें से जो वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, इनके आंसर्स यहाँ पर हैं, ठीक है. उसके बाद ये वाले फ्रिंदा ब्लैंक्स जो आप देखिए, ये आपके पास हुए हुए हैं, बुक में भी हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है. फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. नेम फाइव वेज टू गेट इन्फॉर्मेशन. कौन कौन से फाइव वेज हैं. प्रिंट मीडिया, आपको पता है प्रिंट मीडिया जो न्यूज़पेपर होता है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे टेलीविज़न है या आपके मोबाइल्स हैं, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं. मास मीडिया, लोगों के ज़रिए. नॉन मास मीडिया, जो लोगों के अलावा भी बहुत सारे मीडियाज़ हैं, पेपर मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक, ये सब शामिल हो जाते हैं. सोशल मीडिया यानी कि सोसाइटी में जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन के हैं, जो कम्युनिकेशन, जिसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशंस, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ अ मास मीडिया. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ये देखें आपके पास हुए हुए हैं. वाइज दे मे नॉट आइडियल, ये सब क्वेश्चन आंसर्स आपने इसमें से देख याद करने हैं, आपके पास ये मौजूद हैं. मैंने ये आपको लेक्चर्स भी शेयर किए थे, वो लेक्चर्स आपके पास होंगे, उसमें से आप प्रैक्टिस करेंगे.
एक्चुअली बट ये देखें, ये सर्कल द करेक्ट आंसर्स, ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आपने की हुई हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये सारे आपके वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपकी कॉपी में हुए हुए हैं। इसके लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, इसके मज़ीद कंप्लीट लेक्चर्स जो मैं लास्ट में आपको दे चुकी हूँ। यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, रीड द बुक, स्टिल इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कम टू द स्कूल एंड डिस्कस विद मी। ठीक है, आई विल मेक ईजी फॉर यू, मोर ईजी फॉर यू, आई एम श्योर स्टिल यू अंडरस्टूड द थिंग। विश यू गुड लक फॉर एग्जामिनेशन, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।